क्या आप सुकैम ब्रेन इको के 6 स्टेज बैटरी चार्जिंग के बेनिफिट्स जानते हैं? ये फीचर हमारी बैटरी की लाइफ कम से कम 6 महीने बढ़ा देता है। ब्रेन इको में 6 स्टेज बैटरी चार्जिंग है, डीसल्फेशन, सॉफ्ट स्टार्ट, बल्क चार्ज, एब्जॉर्प्शन स्टेज, इक्वलाइजेशन स्टेज और फ्लोट स्टेज। मेंस और सोलर अवेलेबल होने पे ब्रेनी इको डीसल्फेशन स्टेज से बैटरी चार्जिंग की शुरुआत करता है। अब हम बात करेंगे डीसल्फेशन स्टेज के बारे में। इस स्टेज में ब्रेनी इको सल्फेट क्रिस्टल्स बैटरी प्लेट पर से हटाता है। इसके लिए हाई वोल्टेज और लो करंट माइक्रो पल्सेस के थ्रू पास किए जाते हैं। डीसल्फेशन स्टेज आपकी बैटरी के लॉन्ग लाइफ के लिए बहुत जरूरी है और इस स्टेज में बैटरी का इंटरनल टेम्परेचर भी कम होने लगता है। उसके बाद है सॉफ्ट स्टार्ट स्टेज। ब्रेनी इको लो करंट और लो वोल्टेज से बैटरी चार्जिंग की शुरुआत करता है, जिससे बैटरी का इंटरनल टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। बल्क चार्ज स्टेज में ब्रेनी इको हाई वोल्टेज और प्री डिफाइंड करंट में फुल चार्ज देता है। इस स्टेज में बैटरी का इंटरनल टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है पर कभी भी ओवरहीट नहीं होता। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन स्टेज। ब्रेनी इको एब्जॉर्प्शन स्टेज में आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखता है और आउटपुट करंट को धीरे धीरे कम करता है। इससे आखिरी की 20% बैटरी धीरे धीरे चार्ज होती है पर कभी भी ओवरचार्ज या ओवरहीट नहीं होती। उसके बाद हम बात करेंगे इक्वलाइजेशन स्टेज के बारे में। ब्रेनी इको के इक्वलाइजेशन स्टेज बैटरी की लॉन्ग लाइफ और एफिशिएंसी के लिए बहुत जरूरी है। कॉन्स्टेंट यूज में इलेक्ट्रोलाइट का सल्फ्यूरिक एसिड नीचे कॉन्सेंट्रेट होने लगता है, जिससे बैटरी की परफॉर्मेंस कम हो जाती है। पानी और सल्फ्यूरिक एसिड का आपस में मिक्स होना बैटरी के अच्छे परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी है। ब्रेनी इको में हम हाई वोल्टेज और कॉन्स्टेंट करंट की सप्लाई बैटरी में देते हैं, जिससे सल्फ्यूरिक एसिड और पानी आपस में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। आखिरी स्टेज है फ्लोट स्टेज। ब्रेनी इको फ्लोट स्टेज में थोड़ी थोड़ी देर में लो वोल्टेज और लो करंट से बैटरी को ट्रिकल चार्ज करता है और बैटरी का इंटरनल टेम्परेचर इस स्टेज में भी नॉर्मल रहता है।